तो यार फार्म पे ही हूँ और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आपके बकरी का बच्चा कितने दिया है वो बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बकरी ने एक बच्चा दिया है जो कि फर्स्ट लैक्टेशन की है, और दूसरी बकरी जो है यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसने चार बच्चा दिए। तो इस बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, आप अगर बकरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं हमारे साथ क्या क्या बीतता है बकरियों में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप सर वीडियो बनाए बकरियों का। अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं तो मैं बनाऊं और आप देखें नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें कि बकरियों पे वीडियो बनाएं। ये जो हमने बकरी खरीद कर लाया था लगभग 22-23 केजी का था इसका, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, और एक ब्रीडर आगे है उसका भी। तो आज हम अपने फार्म के बारे में बात करेंगे कि कितनी गाय हमारी जो ड्राई हो चुकी है उसके बारे में, और एक गाय हमने सेल कर दिया उसके बारे में। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये है वो बकरी, यहाँ पे देख पा रहे हो भाग रही है, और इसका बच्चा दिखा दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे देख पा रहे हो 3 और 1 4 बच्चा, चारों मेल है, यानी कि खस्सी बच्चा दिया है इसने, चारों के चारों ने, चारों मतलब खस्सी है, एक बकरी ने चार बच्चा दिया। जो कि ये बकरी की बात करूँ तो बकरी लगभग तीसरे या चौथे लैक्टेशन की है, हम लोग भूल गए, लगभग 3 साल इसका उम्र हो रहा होगा, हमने गांव से ही खरीदा था। अब हम बात कर रहे थे अपने फार्म की, जो मैंने बताया कि एक गाय बेची है और दो तीन 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 गाय जो है ड्राई कर दी है हम लोग। तो दो गाय आगे जो देख पा रहे हैं वो दोनों गाय जो अंधी और काजल है वो दोनों ड्राई हो चुकी है, लगभग एक महीना पहले से काजल हो गई है, और ये अंधी जो है 15 दिन पहले से ड्राई हो गई है। थोड़ा बहुत दूध आ रहा था, हम लोगों ने जानबूझ के छोड़ दिया, मतलब नहीं था, क्योंकि अब इसका मात्र 2 महीने के अंदर अंदर बचा है, 1 महीना 20 दिन समथिंग बचा हुआ है बच्चा देने में, नवम्बर में ये बच्चा दे देगी। दूसरा यहाँ पे लक्ष्मी देख पा रहे हैं, इसने तो इस लैक्टेशन में बहुत ही कम दूध दिया, पता नहीं इसको क्या हो गया था इस बार, अभी मात्र 5वां महीना कंप्लीट हुआ है, 5वां महीने में एंट्री की है, और इसका पूरा हम लोग ड्राई कर दिया, एक टाइम में लगभग आधा केजी दूध कर रही थी, और तो हम लोग सोचे कि बार बार मशीन से निकालना काफ़ी समय लगता है, तो इसका भी दूध हम लोग ड्राई कर चुके हैं। ये जो लक्ष्मी है और यहाँ पे जो काजल है ये दोनों साथ में ही बच्चा देंगे, लगभग 2-4 दिन 5 दिन के डिफरेंस रहेगा, लेकिन इसका अभी भी दूध देसी गाय का लगभग 4.5 से 5 केजी दोनों टाइम का दूध कर रही है, यानी कि ये ड्राई नहीं हुई, उससे पहले HF गाय ड्राई हो गई, वो क्या पता नहीं क्या है ये, देखो समझने वाली बात है, ये इससे पहले ड्राई होना चाहिए था इसको, क्योंकि ये देसी है, लोग बोलते हैं कि 3 ही 4 महीना बच्चा देती है देसी गाय, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसी ब्रीड है, जैसे ये क्रॉस ब्रीड में है इस वजह से इसका दूध ज़्यादा है, मेरे हिसाब से पिछले ब्यात से ज़्यादा दूध इस ब्यात में निकाल रही है, जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई समय पे, यानी कि 3 महीना के अंदर अंदर, और उसके बाद से अभी तक दूध है, 5वें महीने में एंट्री है, लगभग मैं समझता हूँ कि अभी भी 1 से 2 महीना तक के दूध करेगी, यानी कि लगभग 7वें महीने तक इसका दूध करना चाहिए, भले से वो 1 महीने के बाद एक ही टाइम मेरा दूध करे, एक ही टाइम में 2.5 लीटर करेगी, तो ज़्यादा दुबली भी नहीं हुई इस बार और काफ़ी बढ़िया है, और इसका ख्याल हम लोग कर भी रहे हैं बढ़िया। उसका बच्चा अभी आप देख पा रहे हो ये है, और 5वें महीने में एंटर कर गई, अब इससे समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया ये देसी गाय इस बार परफॉर्मेंस दी है। अब हम बात कर रहे थे कि जो छोटी गाय हम लोग उस बड़ी गाय के साथ में लेकर आए थे, वो जो खड़ी वहां पे देख पा रहे हो, उसके साथ जो हम लोग सोनपुर से जो गाय लेकर आए थे उसको हमने सेल कर दिया, मैंने बताया था आप लोगों को कि छोटी गाय सेल करना ही है इस बार, अब इस गाय का नंबर है, इस गाय को सेल करेंगे। बहुत सारे एक बंदे का कॉमेंट आया था यार कि आप यूट्यूब पे ऐसा बोल रहे हो कि बच्चा लगाकर बेच देंगे, भाई जो सच है वो है, मैं बोल रहा हूं और लोग कर रहे हैं, मैं बोला था कि मंडी लेकर जाऊंगा दोनों गाय को, उसके वजह से इसको लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, ये गाय को हम लोग लेकर नहीं गए, क्योंकि यहीं फार्म से वो गाय सेल हो गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये गाय को लगभग 8 से 9 लीटर दोनों का दूध है, दोनों टाइम का दूध है, और इस गाय को बेचना है तो इसको भी बेच देंगे ताकि हम लोग एक बड़ी गाय लेकर आ सकें। अब हम बात कर रहे हैं इस बछिया के बारे में, तो ये बछिया मुझे ऐसा लगता है कि 21 दिन प्लस हो गई है, और ये मान जाना चाहिए इस बार, हर 21 दिन में हीट में आ रही थी अगले 2 महीने से, लेकिन इस बार जब से हमने 40-116 सीमेन लगा दिया है उसके बाद ये हीट में नहीं आई, तो ये हमारी खुशी की बात है, हो सकता है कि ये मान जाए। अब हम बात कर लेते हैं मोहन के बारे में, तो मोहन को भी लगभग 1 महीना हो गया है AI करके, ये AI करके नहीं, इसको नेचुरल AI करवाए थे हम लोग, यानी बुल से क्रॉस करवाए, तो ये भी ऐसा लग रहा है कि मान जाएगी।
अब हम बात करते हैं अपने फार्म के बारे में। तो फार्म की जो गंदगी आप जो देख पा रहे हो, इसका हम लोगों सॉल्यूशन निकाल लिया है, बात भी हो गई है, कल से काम स्टार्ट है। इसमें हम लोग सीमेंटेड ईट जो आता है वो हमें 11 रुपये पर पीस पड़ रहा है, 80 कैरेट बोलते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलता है, 60 और 80 होता है मोटाई का। तो 80 वाला जो हम लोग ईट ले रहे हैं उसका हम लोगों को 11 रुपये पर पीस पड़ रहा है पहुँचा कर, और इसका पूरा चार्ज जो है लेबर हम लोगों ने 5000 रुपये में इसका ठिक्का दे दिया है। तो कल से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, और हमने ये इसके बराबर जो यहाँ सीमेंटेड देख रहे हैं इसके बराबर यहाँ से कर देंगे। एक नाली यहाँ पे बनाने वाले हैं, दूसरा एक नाली लास्ट में बनने वाला है, और फ्यूचर में जो गाय खुली है आज, हो सकता है कि हम लोग बांध के रखें तो बीच में दो नाद बन जाएगा, उस साइड से इधर खाएगी, इस साइड की इधर खाएगी और ये वाली इधर खाएगी। तो मतलब ज़्यादा गाय बढ़ाने का होगा, इधर बढ़ा देंगे, और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास इस साइड में जगह है, इस साइड में हम लोग खोल देंगे, जब खोलना होगा तो इस साइड में खोल देंगे। अब हम बात करते हैं कि दूध पे दूध कम हुआ चेंजिंग, जैसे कि हमने बताया था कि साइलेज क्या बंद कर दूं, तो हुआ ये कि जहाँ से हमारा साइलेज आता था साइलेज ही नहीं था वहाँ पे। बहुत दिन से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि साइलेज भेजिए, अभी तक आया नहीं, और 5 दिन से विदाउट साइलेज का खिला रहा हूँ, जिसके कारण पर डे का दूध लगभग दाना वाना देने के बाद भी 6 से 7 लीटर दूध की कमी हुई है पर डे का। तो और दाना हम लोग अगर बढ़ाने की बात करें तो लगभग 6 के जी दाना प्लस किए हैं, 6-7 लीटर दूध कम हुआ है, 6 के जी दाना हम लोग प्लस किए हैं। उसके हिसाब से अगर साइलेज का रेट देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि साइलेज खिलाना चाहिए। कैसे, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 6 लीटर दूध कम हुआ है तो 240 रुपये का तो दूध मेरा कम हो गया, 6 किलो दाना हम लोग प्लस किए हैं तो लगभग कितना, 6 के जी का 6 × 12 650, 150 रुपये का दाना प्लस कर देते हैं, तो 150 रुपये का दाना भी प्लस हो गया और 250 रुपये का दूध भी कम हो गया। उससे बढ़िया है कि हमको साइलेज खिलाना चाहिए, साइलेज खिलाने से गाय खा भी लेती है भरपेट, पूरा पेट भर के, और साइलेज हो या हरा चारा हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि साइलेज ही खिलाना चाहिए, साइलेज हो या हरा चारा कोई ना कोई एक खिलाने से पेट भर के खा भी लेती है, और थोड़ा सा दूध भी इंक्रेस रहता है, दूध में गाढ़ापन रहता है, कस्टमर खुश रहते हैं, किसी तरह का कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होता है, और फैट भी काफ़ी बढ़िया आता है। यहाँ पे देख पा रहे हो इसी तरह से भूसा देकर, और भूसा भी बढ़ गया है, जैसे कि पर डे हम लोग 100-150 का भूसा यूज कर रहे थे, 100 रुपये का यूज कर रहे थे एक मान लिया जाए तो 150 रुपये का लग रहा है, तो भूसा भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, और भूसा इस तरह से बच रहा है, और दाना भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब जैसे कि 5-6 के जी एक्स्ट्रा देने के बाद भी इतना भूसा बचा हुआ है, तो अब 1-2 के जी चोकर अगर मैं इसमें डालूंगा, छिड़काव करूंगा चोकर का, तब जाके ये ख़त्म होगा। तो मतलब महंगा पड़ रहा है इस हिसाब से देख रहा हूँ। तो साइलेज मैंने सोचा है शायद हो सकता है कि 1-2 दिन में आ जाए साइलेज, आज रात तक आ जाए या कल तक आ जाए, तो साइलेज आ जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा है जो ड्राई काऊ है उनको थोड़ा कम ही खिलाना भी चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा पेट भर के खा लेने पे दिक्कत करता है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने भी सुना है, तो उनको साइलेज नहीं दूंगा, ऐसा मेरी विचार है। और जो दूध पे है, जिनका दूध पर डे निकालना है, उनको साइलेज देना है। तो ऐसा सोचकर हम लोग विचार कर रहे हैं, तो अब साइलेज आएगा ही, बिना साइलेज का तो यार मुझे नहीं लग रहा कि मैं चल पाऊंगा। मात्र 2 महीने की बात है, जैसे ही धान कटेगा उसके बाद तो लगभग जून जुलाई तक के हमारा हरा चारा चलेगा ही, क्योंकि हम लोग खेत लीज पे 6-7 महीने का ले लेंगे, उसके बाद धान हरा चारा मैं समझता हूँ कि 7-8 महीने, सिर्फ धान के टाइम में ही दिक्कत आ रहा है, उसके बाद हम लोग हरा चारा दे पाएंगे। तो ये फार्म का स्थिति है। फार्म में जो हमने उसका खर्चा की बात करूँ तो खर्चा अभी इस्टीमेट हम लोग जो जोड़े हैं, जिसमें ईंट लगाने की बात है, वो उसने बोला है कि लगभग 3000 ईंट लग जाएगा, जो मिस्त्री से बात हुई थी, तो 3000 गुने लगभग 31,000 का समथिंग उसमें ईंट लग रहा है, और उसके बाद कुछ बालू एक आधे हज़ार रुपये का बालू मिट्टी वाला जो लगेगा, 1000-1200 जो भी जितना भी लग जाए, एक तो 32000 हो गया, और 5000 लगभग 40000 के एस्टिमेट है, 40000 के अंदर वो लगभग बन जाना चाहिए। तो वो बन जाने से क्या क्या दिक्कतें ख़त्म होगा, जैसे कि ये कचड़ा जो देख पा रहे हैं, मैं तो समझता था कि बारिश का कारण है ही, बारिश से थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन पेशाब जो कर रही है वो भी सोख नहीं पा रही है,
मतलब इसका वजह क्या हुआ, हम लोगों ने गलती कहाँ की, वजह क्या है? ये सीमेंटेड एरिया है ना, और ज़्यादा लंबा होना चाहिए था, उसके बाद जितना मट्टी का एरिया है ये और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, यानी कि हम लोग 35 फीट में ये फार्म जो बना है यहीं पे मिस्टेक है, यह और बड़ा होना चाहिए था, इसकी चौड़ाई और ज़्यादा होनी चाहिए थी, तब जाके एरिया बड़ा रहता, तब जाके सोख लेती। हाइट वाइट से कोई दिक्कत नहीं है, एरिया मट्टी का एरिया कम है, गाय ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा गीलापन हो रहा है, मैं यही देख पा रहा हूँ। सीमेंटेड होता कुछ एरिया में ज़्यादा, लगभग 7 ही फीट है ये, 14-15 फीट होता तो थोड़ा दूर एरिया रहता तो पेशाब का छीटा उस साइड नहीं जाता, इसको हम लोग धुलते तो छीटा नहीं जाता, तो सूखापन होने का चांस था, लेकिन वो इसके वजह से गीला हो रहा है, और गीला होने की वजह से मक्खी भी लगती है, मक्खी का तादाद ज़्यादा रहता है मेरे को ऐसा लगता है, और डस एक होता है, डस का वजह से भी गाय परेशान होती है, उसके वजह से भी दूध कम निकालती है। अब हम बात करते हैं ये नई वाली गाय का, नई वाली गाय लगभग 12-13 लीटर दूध पे आई है, थोड़ा बीमार हुई थी, क्या हुआ था इसको, थोड़ा थन में सूजन आया था, लेकिन आप सोचेंगे कि गंदगी की वजह से, इसके वजह ये नहीं था, मैं क्लियर सच बोल रहा हूँ, इसका वजह ये था कि वो थन कट गया था, थन कटने की वजह से इसका थन में सूजन आया था, वो उसके वजह से थोड़ा खाई नहीं, लेकिन पूरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी। 12 आज ही सुबह की बात है कि पूरा टोटल दूध लगभग 6.5 लीटर समथिंग था, 1 लीटर हम लोग बच्चे को पिलाए, 5.5 लीटर दूध निकाले। वो बड़ी गाय दूध पे नहीं आई, उसका लगभग वही दूध तो और बिल्कुल कम हो गया है साइलेज नहीं होने के कारण, समथिंग 5 लीटर दूध, अभी पूरा टोटल दूध 5 लीटर दूध निकाली है। तो ये है फार्म का स्थिति, पीछे ईंट जो मैं बिछा रहा हूँ क्या ये सही है, कमेंट में ये बताएं। अगर आपको हमारे फार्म की बकरियाँ का वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर बताऊँ कि हमारे बकरियों का क्या हालात है, बकरी कितने में हमने खरीदी थी, कौन सी कितना है, और बकरी पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी विचार होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।